हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आज 6 तारीख है। वैसे कायदे से अगर मसलमीनिया 4 तारीख को ही हो जाता तो कितने फ्री नहीं हो जाते हैं। मतलब पूरी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही की थी ना, तो वो पूरा कैलकुलेटेड रहता है सारी चीज़ें कि इतने टाइम बाद एरोप्लेन जा रहा है, कार्ब लोडिंग इतने टाइम बाद करनी है, इतने टाइम बाद ये सारी चीज़ें करनी है। और वो एकदम से थोड़ा सा मैस्ड अप हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे भी पता चला काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पीट ही नहीं करने वाले, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि कई लोग वापस चले गए, कहीं कुछ हो गया, जो कि सोच सोच के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें थोड़ी गलत हो गई कॉम्पिटिटर्स के साथ में। थैंक यू सो मच, लास्ट जो कॉम्पिटिशन पोस्टपोन्ड वाला वीडियो था उस पर बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए थे। और ये बात सही थी कि सारे कॉम्पिटिटर्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, बट वही है ना, सिचुएशन है, सिचुएशन देख कर नहीं आती है और उन्हीं के पास में आती है जिनको सिचुएशन से लड़ने की ताकत होती है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं। आज 6 तारीख है, पाँचों दिन को हम इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। जैसे एक वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो 5 दिन को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे। वही जो पीक वीक में चल रहा था उसी तरीके से शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह 6 बजे उठना, अपना एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना, दिन में अपना पूरा वर्कआउट करना, शाम को वही बिना काप सारी, मतलब वही सेम रूटीन स्टार्ट हो चुका है। दोबारा से पीक वीक कर रहा हूँ। इस बार कार्डियो और बढ़ गया है। मॉर्निंग में वही एम्प्टी स्टमक कार्डियो 70 मिनट, उसके बाद में पूरा दिन भर बिना काप्स वाले मील सारे के सारे फिश, और दिन में वर्कआउट। तो बस ये है कि पीक वीक इतना लंबा खिंच रहा है ना, तो वो जो सहने की शक्ति होती है ना, उसको अच्छे से चैलेंजिंग हो रहा है वो चीज़। बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस सिचुएशन में। मुझे ऐसा फील होता है अंदर से कि मुझे अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिला है और मेरे को प्रूव करने का मौका मिला है अपने आप को कि मैं हर एक सिचुएशन में रह सकता हूँ, निकल सकता हूँ। मतलब जैसे ये न्यूज़ आई थी ना, सबसे पहले तो मैं अपसेट हुआ, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है, किस तरीके से इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से फेस करना है, ना कि शांति से बैठना है, ना ही शांति से ये सोचना है कि यार ये क्या हो गया। ना वो मेंटेलिटी है ही नहीं यार। अब इस प्रेप ने, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बहुत कुछ सिखाया है, और जो डिसिप्लिन है वो जो सिखाया है ना, वो अनदर लेवल पे है। अभी जस्ट अपना 70 मिनट्स कार्डियो कंप्लीट किया। जब आज सुबह उठा ना, तो एक अलग एनर्जी के साथ में उठा मैं, क्योंकि ये जो पूरा वीक मिला है मुझे, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने वाला हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए। ऑब्वियसली कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं किसी भी तरीके का, पर मुझे न्यूज़ मिली ये चीज़ की, कुछ कुछ कॉम्पिटिटर्स वापस जा रहे हैं, कुछ कुछ मतलब काफ़ी से सैड सी सिचुएशन हो गई थी ना, तो उस चीज़ को देखकर बुरा लगा। बट मेरे को बस अंदर ही अंदर मैं अपने आप को ये सिखा रहा हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, और इस शो में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देनी है हमें। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 6 महीने में जिस तरीके से प्रेप करी थी ना, सारी की सारी चीज़ें बहुत कैलकुलेटेड रहती हैं, मतलब किस दिन क्या होने वाला है। और ये कार्ब लोडिंग जो थी ना, मतलब मेन मेरे को सबसे ज़्यादा जो अपने अंदर सोच के चल रहा हूँ मैं, कि मेन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को बार बार याद आ रही है कि कार्ब लोडिंग का सोच के रखा हुआ था कि 1 वीक पहले की जाएगी तरीके से, और वो मैंने 1-2 मील ली, और उसके बाद से फिर वापस डिप्लीशन जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा खा रहा है। लेकिन वो डिप्लीशन कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है अगर देखें तो। वो ठीक है, साइज़ तो थोड़ा सा गिर रहा है पहले से, बट इट्स फाइन। जो हमारा बेस्ट हो सकता है हमें वो करना है, जो हम अपना मैक्स पोटेंशियल निकाल के वहाँ पर स्टेज पे दिखा सकते हैं वो ज़रूरी है। एंड मोमेंट पे प्लान किया ना कि सभी लोग स्टे करेंगे यहाँ पर ही, तो जिस जगह पे मैं रुका हुआ था वो जगह पूरे वीक के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ से आज हमें चेकआउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया कि बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से, और दिल्ली इतना छोटा नहीं है, तो कॉम्पिटिशन के टाइम पर काफ़ी लंबा ट्रैवल हो जाएगा, क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ, या जो यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है ड्राइव, और मैं गाड़ी से ही आया हूँ, तो वो एंड टाइम पर भी बिल्कुल, जब कंपटीशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीज़ होंगी, तब मेरे को ड्राइव करके आना पड़ेगा सबको लेके। और ये वाली जो जगह मैंने ली हुई थी ना, वो ये सोच के ली हुई थी कि वेन्यू से पास में, जहाँ पर कॉम्पिटिशन है वहाँ से बहुत ज़्यादा पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरीके की। पर अभी यहाँ से चेकआउट करके
डेढ़ घंटा दूर जा रहे हैं जहाँ पर अवेलेबल मिला, और वो भी केवल 2 दिन के लिए अवेलेबल मिला है, तो फिर वापस से 2 दिन बाद और कहीं चेकआउट करके जाना पड़ेगा। तो ये इधर से उधर, उधर से इधर घूमना बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये वर्कआउट के बाद पहली मील, ये तिलापिया फ़िश है, वाइट फ़िश बोला था, तो बासा या तिलापिया में से दोनों में से कोई भी फ़िश ले सकते हो। मुझे पर्सनली बासा इतनी पसंद नहीं आ रही थी, तिलापिया इज़ गुड। दोनों ही बिना टेस्ट किए हैं, बिना मसालों की कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं, तो आँख बंद करो, खाओ, अपने गोल के लिए खाओ, ना कि अपने टेस्ट के लिए। वो पुश में नहीं आता। हाँ मतलब पुश के अंदर आता है। पापा को फोन कर देंगे कल। ओह पेंगुइन, पेंगुइन नहीं है, सॉरी। पापा को कल फोन कर देंगे वो जो तुम गया थे। वो बोलता है ना वो क्रोकोडाइल। पीको। टर्टल चाहिए, कोई तो बर्ड चाहिए। टर्टल। मम्मी क्या है बताना? कौन? ये बताओ क्या? ये वो पीकन है। लग रहा है। स्वान। यस। स्वान चलेगा। स्वान चलेगी। सोन चरैया क्या? सोन चरैया नहीं क्या? सोन चरैया सोन चरैया क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट पूरा ऐसे लेके बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। अरे लेटा हुआ था यार तू, यार लेटा हुआ था, सो रहा था, सो रहा था तू। ठीक है फिर मैंने लेटा हुआ था बोलना पहले, फिर मैं सो रहा था। इसको बोलने तो दो, उधर हां भाई बोल। मैंने बोला ऋषभ बता, फिर मैंने इससे छीन लिया तभी ऐसे उठ गया। सो गया,
कार्डियो का वेट कर रहा है, मैंने कहा डेढ़ घंटे और बचा है कार्डियो में। वो तो कुछ चीज ऐसी हो कि जैसे उसके अंदर रहस्य हो, उस चीज को समझो क्या है उसके अंदर। तो लियोनार्डो दी कचौड़ी।